जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं देवड़ी गांव सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैंने 7th क्लास तक तो स्कूलिंग गांव से ही करी है। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सोनीपत ज़िले से मैंने करी है, संबुदयाल मॉडर्न स्कूल से 10th और 12th। और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डीक्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया और आई वर्कड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर 4 ईयर्स इन दिल्ली जी। तभी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मैंने UPSC के लिए तैयारी स्टार्ट करी और इट वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड होपफुली इट गोज वेल। अच्छा हुआ, काफ़ी सुखद ऐसा था। तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि तुझे अफसर बनना है, तो तब मुझे नहीं पता था कि क्या IAS होता है, क्या अफसर होता है, क्योंकि हमारे घर में से भी कोई ऐसे जॉब सर्विस पे नहीं था। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, चीज़ों के बारे में पता चलता गया। और मेन उसके बाद जो मोटिवेशन रहा वो मेरे फादर की तरफ से भी रहा। उन्होंने भी जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं शायद इसमें नहीं कर पाऊँगा या जॉब के साथ मैं तैयारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट करा और बड़ा फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं उनकी मोटिवेशन के लिए यही एक संदेश देना चाहूँगा आपके थ्रू कि UPSC ने पिछले कुछ सालों से अपना ट्रेंड काफ़ी चेंज करा है और अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों से ही बच्चे आगे IAS और IPS बन सकते हैं या UPSC क्रैक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म और अभी इंटरनेट की रीच भी काफ़ी गांव तक पहुंच गई है, तो बच्चों के पास काफ़ी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ऐसी बात नहीं है। गांव के बच्चे भी अब इसमें आगे बढ़ चढ़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मैं मेरे थ्रू अगर उनको कोई प्रेरणा मिले कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो आई फील वेरी डिमोटिवेटेड। एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम, सो टाइम की कमी रही, शायद मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया और उसकी वजह से मैं नहीं प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ऐसा डिमोटिवेटिंग फील हुआ, आई फील कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ, तो और मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता था। उसके साथ साथ फिर मेरे फादर ने मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं, अगर जज्बा है मन में और डिटर्मिनेशन है तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा तैयारी करी, दोबारा इसके लिए मेहनत करी, तो लास्ट ईयर आई गॉट 260 रैंक इन UPSC और आई गॉट IRS कस्टम्स एंड एक्साइज एंड दिस ईयर इट्स। इसके बारे में मैं बिल्कुल आपके थ्रू एक संदेश देना चाहूँगा। अभी UPSC का क्या रहता है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, और मैंने भी ये फील करा है, एक्सपीरियंस करा है कि बहुत सारा सिलेबस ऐसा है और सिलेबस इतना ओपन एंडिंग है जिसकी वजह से मार्केट में इंफॉर्मेशन इज़ टू मच देयर, तो बहुत सारे बच्चे मगअप करते रहते हैं, इधर से इंफॉर्मेशन मिली, उधर से इंफॉर्मेशन मिली, हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वही उनके लिए एक सेटबैक रहता है, वो शायद इधर बहुत सारी इंफॉर्मेशन में उलझ जाते हैं। मुझे लगता है इसका एक जो मेन मंत्र है वो है कि लेस इज़ मोर, तो टू द पॉइंट आप रहिए, अपने सिलेबस के लिए आपने अपने नोट्स बनाते रहिए, करंट अफेयर्स से आप साथ में जुड़े रहिए और जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर करें, क्लियर क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तो क्लैरिटी रहेगी तो फिर यू विल बी एबल टू क्रैक।